हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का वाइजुअल लर्निंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में कि उन क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर हम आपको 10 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिन क्वेश्चन में आप वो ट्रिक लगाकर आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे आपका बिना ट्रिक क्वेश्चन में टाइम भी लग सकता है, बट आपको जो हम ट्रिक देंगे उसमें आपको कुछ ही सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आप लोग आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसा ही प्यार हमारे चैनल के साथ अपना बनाए रखें, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर सा ला सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। बच्चों यहां पर देखना, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल में बताना है कि कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों, तो इस कंपाउंड में आप पाई तो आसानी से निकाल सकते हैं, बट सिग्मा के लिए आपको या तो स्ट्रक्चर इनका बनाना आना चाहिए, या तो आप कुछ टाइम अगर बनाना भी आ रहा है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्ट्रक्चर को बनाएं। और इस कंपाउंड में भी आप पाई तो आसानी से बता सकते हैं, बट सिग्मा के लिए कुछ ट्रिक्स हम देंगे जिससे आप सिग्मा कुछ ही सेकंड में सिग्मा बॉन्ड आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पाई की बात करते हैं बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक तो हमारा ये पाई हो गया, दो हमारे ये पाई हो गए, तो इस कंपाउंड में तीन पाई बॉन्ड बच्चों हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो पाई हमारे ये हो गए, एक पाई बॉन्ड हमारा ये हो गया, तो यहाँ पर भी बच्चों तीन पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं। अब बच्चों सिग्मा निकालना है आपको, अगर तो सिग्मा के लिए आप टोटल एलिमेंट्स को गिन लीजिए कि कितने एलिमेंट्स इस कंपाउंड में है, उनमें एक माइनस कर दीजिए, आपको सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे हो गए चार, यहाँ पर चार दो छः, छः दो बच्चों आठ, आठ और एक नौ, नौ और दो इलेवन, नौ दो ग्यारह। तो ग्यारह में बच्चों जब आप एक माइनस करेंगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे। तो इस कंपाउंड में आपको पास है थ्री पाई बॉन्ड प्लस इलेवन सिग्मा बॉन्ड। अब हम इस कंपाउंड की बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों आप गिनिएगा, दो एक तीन, तीन तीन छः, छः दो आठ, आठ तीन 11। अब यहाँ पर भी 11 माइनस वन, अगर 11 माइनस एक करेंगे तो आपके पास 10 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 पाई बॉन्ड यहाँ भी मिल रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप सिग्मा बॉन्ड आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, और अगर आपको स्ट्रक्चर में बनाना नहीं आ रहा है तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देने हैं, तो अगर हम लोग इधर से बच्चों नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से बच्चों अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तब भी हमारा तीसरे नंबर पर आ रहा है। अब बात आती है कि हम नंबरिंग किधर से करें। यहाँ पर दो पर ब्रोमो मिलेगा, अगर इधर से आप गिनती करेंगे, अगर नंबरिंग करेंगे, अगर आप इधर से करेंगे तो थ्री पर बच्चों आपको मेथाइल मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हैं कि आप किधर से नंबरिंग करें, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन आती है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो अल्फाबेटिकली में आपको सबसे पहले मिलेगा ब्रोमो, फिर आपका आता है मेथाइल। तो नंबरिंग बच्चों आप इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5, आपके पास पांच कार्बन की चेन है। आपको टू पर ब्रोमो मिल रहा है और यहां पर फोर पर मेथाइल मिल रहा है। टू पर ब्रोमो, फोर पर मेथाइल, पांच कार्बन है, पेंट कितने कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, थ्री पर, तो पेंट थ्री ओन। अब आपको अगर IUPAC नेम लिखना है इसका, तो आप आसानी से इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको ये तीन कंपाउंड दे दिए, इनका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमारे एनिलीन है, एनिलीन में अगर प्लस आर इफेक्ट प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, अगर माइनस आर इफेक्ट लगता है बच्चों तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमारा प्लस आर इफेक्ट है बच्चों, यहाँ पर हमारा माइनस आर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा तीसरे के पास, फिर हमारा आएगा वन, एंड फिर हमारा आएगा सेकंड, सबसे कम रहेगा सेकंड के पास। तो इसका जो बच्चों आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास दो, फिर आपका बनेगा दो से ज्यादा वन, फिर आपका बनेगा तीसरा वाला। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, टू टू वन थ्री, टू वन थ्री, टू सॉरी टू वन थ्री। तो इसका आंसर बच्चों जो बनेगा वो बनेगा टू, उससे ज्यादा वन, उससे ज्यादा थ्री। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर बच्चों आपको मिल रहा है तो ये वही इसका आंसर रहेगा, आप लोग देखिएगा। आप प्लीज बच्चों वीडियो लाइक जरूर कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन
आपको आपके पास ये पूरा एक कंपाउंड दे दिया गया है। इसके C2 को C2 की हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, C3 की हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, और C5 की आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, अब C6 की आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इसके लिए भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक हमारी होती है SP3 - π1, SP3 - π1। अब आप यहाँ पर पाई बॉन्ड का इस्तेमाल करें, आप पाई जितने भी हों वो 3 में से आप माइनस कर दें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरे कार्बन के पास 2 π बॉन्ड है, तो इसके लिए हमारा आ जाएगा SP, क्योंकि 3 - 2 1 बचेगा। फिर 3 के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो उसका जो बनेगा वो बनेगा SP3। फिर हमारा 5 के पास 1 π बॉन्ड है बच्चों, तो ध्यान रखना 3 - 1 2 SP2। 6 के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो उसका बनेगा SP3। तो यहाँ पर देख लीजिएगा SP, SP3, SP2 एंड SP3 में देखिएगा कौन सा ऑप्शन बच्चों बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बन रहा है। बच्चों आप मेहनत करते रहे, क्योंकि नीट का एग्जाम करीब है, 5 मई को आपका नीट का एग्जाम है। NCERT को लगातार रीड करते रहें, आप क्वेश्चन को सोल्व करते रहें, नेट से क्वेश्चन लें, बुक से क्वेश्चन लें, क्वेश्चन जरूर सोल्व करते रहें। अब आपको कोई भी ढिलापन नहीं दिखाना है। अब आप दीपावली भी निपटा चुके हैं, तो अब आपके लिए मेहनत एक ही लास्ट बनता है, लास्ट ही काम बनता है कि आपको मेहनत करनी है। 24 घंटे में 16 घंटा आपको मेहनत करनी है, और आप खाली मेहनत नहीं, खाली लगे नहीं, टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देकर देखें कि आपके कितने नंबर आने हैं। आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। हफ्ते में एक टेस्ट संडे टू संडे जरूर निकालें, और कुछ टाइम आप फ्री भी रहें। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग। अब आपके पास हाइड्रो दिया गया है, क्लोरो दिया गया है, एंड ब्रोमो दिया गया है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी। अब आप ध्यान रखना कि जैसा बेसिक स्ट्रेंथ ग्रुप में इंक्रीजिंग होता है, नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वैसे ही हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर अगर हम इस आधार पर अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी आएगा हाइड्रो में, फिर हमारा आएगा ब्रोमो में, फिर हमारा आएगा क्लोरो में। तो सबसे ज्यादा बच्चों आपको मिलेगा हाइड्रो, ओके, फिर मिलेगा ब्रोमो, फिर मिलेगा क्लोरो। ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जिसमें ऐसे एलिमेंट रखे हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप उसे आंसर मानिएगा, वो आपका आंसर होगा। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फार्मूला। बच्चों ये भी कंपाउंड बहुत ही पॉपुलर है, इसका IUPAC नेम आपसे टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हो सकता है, या क्वेश्चन आपको नीट 2024 में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड दे दिया गया, इसका IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर बच्चों हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट हमारा तीसरे कार्बन, मतलब 3 बॉन्ड के साथ आ रहा है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ रहा है। अब बच्चों आप नंबरिंग किधर से करेंगे, तो यहाँ पर प्रायोरिटी के आधार पर बच्चों हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। 1, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 4। तो 4 कार्बन की चेन है बच्चों। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 पर हमारा लगा इन, तो 1-ब्यूटीन हो गया, और यहाँ पर तीसरे पर लगा हुआ है आयन, 1-ब्यूटीन 3 आयन। ऐसा ऑप्शन देखिएगा आप बच्चों, जरूर वही आंसर बनेगा। आप लोग क्वेश्चन को पुश करके वीडियो को रोक कर सोल्व जरूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। आपको ये 4 दे दिए गए हैं, आपके पास मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं। अब आपको इनमें से सबसे ज्यादा बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक तो हमारा है CaCN, दूसरा है SO3H, तीसरा हमारा है COOH, फोर्थ हमारा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ध्यान रखना NO2 जो होता है वो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो इसका आंसर बनेगा फोर्थ वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टेजर्ड एंड इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन। अब आपको एक तो इक्लिप्स एंड स्टेजर्ड कंफर्मेशन दिए गए इथेन के, उनमें से बताना स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, आपका जो स्टेजर्ड कंफर्मेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन इक्लिप्स कंफर्मेशन से। अब यहाँ पर ध्यान रखना क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इक्लिप्स जो होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, उसके पास टोर्सनल स्ट्रेन भी होती है, तो स्टेजर्ड कंपाउंड के पास टोर्सनल स्ट्रेन नहीं होती है। तो इसका आंसर बनेगा द इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन मोर स्टेबल देन कंफर्म बिकॉज इक्लिप्स कंफर्मेशन है नॉट टोर्सनल स्ट्रेन। इक्लिप्स तो भैया स्टेबल नहीं होता है स्टेजर्ड से, तो इक्लिप्स नहीं, इथेन मोर स्टेबल, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है द स्टेजर कंफर्मेशन इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कंफर्मेशन बिकॉज स्टेजर कंफर्मेशन नॉट स्टेबल, सही है। फोर्थ ऑप्शन में द स्टेजर कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल देन इक्लिप्स कंफर्मेशन बिकॉज स्टेजर कंफर्मेशन हैज टोर्सन, बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा तीसरा वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी लास्ट में हम एक मोटिवेशनल शायरी भी आपको देंगे, जिससे आप
आसानी से मोटिवेट भी कर हो सकते हैं। अब आपको पढ़ाई में अपना मन लगाना पड़ेगा, आपको स्टडी अपनी तेज करनी पड़ेगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के जो दिया गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बच्चों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो उसे इलेक्ट्रॉन पेयर अपने डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए आंसर कौन सा बनना है, इलेक्ट्रोफाइल निगेटिव चार्ज पे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल निगेटिवली चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल निगेटिवली चार्ज फिर कंफर्म बोन बाय, ये भी बच्चों गलत हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी एदर न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज, सही है बिल्कुल। एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ हमारा ऑप्शन है, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर बनना है वो बनना है हमारा तीसरा वाला। तो कैसा क्वेश्चन था ये भी कमेंट में बताएं कि कैसे लेवल के क्वेश्चन है, इससे कुछ ईजी रखें या इससे कुछ हार्ड रखें, और आपने इस टॉप 10 में कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट करें, और डाउट में हमें बताएं कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टूवर्ड इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों अगर आपको चार कंपाउंड दे दिए गए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब बच्चों वो जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाई है तो वो अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों हम कैसे किसी कंपाउंड की इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग प्लस आर इफेक्ट लगाकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोगों को वो टेबल याद होना चाहिए कि प्लस आर इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, किसमें कम पाया जाता है, उस हिसाब से हम अपना ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेंजीन है, कोई प्लस आर इफेक्ट नहीं लगा। यहाँ पर हमारा टोल्यून है, यहाँ पर हमारा बच्चों फिनोल है। यहाँ पर फिनोल में लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर देता है। बच्चों यहाँ पर क्लोरो बेंजीन है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा क्लोरो बेंजीन के पास। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों लिखना है, तो सबसे पहले हमारा आंसर में बनेगा डी, फिर बनेगा बच्चों बी, फिर बनेगा ए, फिर बनेगा सी। देखिएगा ऐसा कोई ऑप्शन बनना है भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा बच्चों वो बनेगा तीसरा वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ